साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। योगी सरकार 2.0 को एक महीना पूरा हो गया है। योगी सरकार ने आज यानी 25 अप्रैल को अपने दूसरे कार्यकाल का एक महीना पूरा कर लिया। अपने एक महीने के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ काम किया। लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आज से ठीक एक महीने के पहले 25 मार्च को सूबे की कमान दोबारा थामने वाले सीएम योगी के 2.0 कार्यकाल का 30 दिन पूरा हो गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं योगी सरकार के काम का लेखा जोखा हमारी इस रिपोर्ट में। योगी सरकार 2.0 में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार के एक महीने पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज एक महीने पूरे हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक महीना पूरा हो गया है, आप लोगों का एजेंडा है 100 दिन का। एक महीने में जो काम हुए उसे 100 दिन में और कैसे बेहतर किया जाएगा और आने वाले 5 साल में क्या रोड? संकल्प पत्र के अनुसार, लिए गए निर्णय के अनुसार, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार हमारी सरकार प्रदेश की जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में समर्पित है, अच्छे से काम कर रही है। लोग हमारे काम को वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नतीजे आए थे तो विपक्ष कह रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं और बीजेपी को काम सही तरीके से करने नहीं देंगे जो सरकार अगर जनता के विरोध में कोई काम करती है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में जो चीजें हैं वो निकल कर ये आ रही है कि लगातार उसमें टूट है। शिवपाल यादव का अलग मामला चल रहा है, आजम खान का अलग, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। हमें जो जनादेश मिला उसके अनुसार जनता की सेवा पर ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती पर ध्यान है और हमारा यही एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जनता के साथ हम लोग काम करते आए हैं और जनता के साथ ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं नितिन पाटिल। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक महीने पूरे होने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए और अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज को रफ्तार देने के लिए सेक्टर वार कार्य योजनाएं तैयार कराई और आम लोगों को भी हर तरीके की सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। योगी सरकार से कहना चाहूँगा, सारी चीजें तो ठीक है लेकिन सबसे पहले वो रोजगार पे ध्यान दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब रोजगार के लिए अवेलेबल हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। विकास कार्यों में तो है, सरकार है, विकास तो दिख रहा है वैसे, और गरीब लोगों पे भी ध्यान दिया जा रहा है जैसा मुझे लग रहा है। बाकी ये ठीक है, धीरे धीरे व्यवस्था सुधरेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इन्होंने अच्छा कंट्रोल किया है और देखिए, जब कोई अच्छा कंट्रोल करता है तो उनके लाख जो दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जितने लोग भी आज अपोज कर रहे हैं इनको, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मनमानी नहीं चल पा रही है, इसलिए इनका अपोजिशन कर रहे हैं। योगी सरकार के एक महीने तो पूरे हो गए, अभी उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का गठन किया है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं। योगी सरकार में ओवरऑल काम तो ठीक ही हुआ है लेकिन थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ी है। काम तो ठीक चल रहा है वैसे, लेकिन अगर किसानों के हित में काम हो तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि जानवर बहुत तंग किए हैं। वैसे सही चल रहा है, मतलब सब चीज़ें सही हैं, मतलब थोड़ा बहुत महंगाई है, मतलब वही इसीलिए सब वो है, मतलब और सब तो सही कर रहा है, मतलब ऐसा कोई उसमें प्रभु नहीं है। योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका एक महीना पूर्ण हो चुका है। फरुखाबाद की जनता से जानते हैं कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहला कार्यकाल 5 वर्ष का रहा, उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में खींचातानी चली और चुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आया और भारी बहुमत से भाजपा को पुनः जनता ने विजय बनाया। अब एक महीना हो चुका है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, जनता से फरुखाबाद की जानते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ अधिवक्ता व कुछ आम जन लोग हैं। सबसे पहले हम जनता की राय लेते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बाबा आप बताएं आपका क्या नाम है? अच्छा बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा बाबा जी, जो एक वर्ष हो चुका, ये एक महीना हुआ योगी सरकार का पुनः दूसरे कार्यकाल में, कैसे देखते हैं, किस तरीके का रहा है? सही काम कर रही है, सही कानून सब सही है। और कहीं ना कहीं सरकार आने के बाद डीजल पेट्रोल के दाम में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अच्छा, आप अधिवक्ता हैं। अच्छा, तो वकील भी एक समाज का बहुत बड़ा अंग होते हैं, हिस्सा होते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि जो एक वर्ग महीना हुआ है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, किस तरीके से देखते हैं? अभी तो सही चल रहा है, लड़ाई है अभी, बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी उनसे एक प्रार्थना है
कि हम अधिवक्ताओं के लिए कुछ योजनाओं का वो करें, क्या मतलब शुरुआत करें, क्योंकि अधिवक्ता जो है काफ़ी कमज़ोर हैं इस समय। दूसरा, जो योगी सरकार के द्वारा जब से दूसरा कार्यकाल आया है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बहुत बड़े स्तर पे कार्रवाई हो रही है, आपके जनपद में भी बड़े स्तर पे मेगा अभियान चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सराहनीय काम किया। तो कहीं ना कहीं आप जो एक महीने कार्यकाल है उसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सुझाव यही है कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए, अधिवक्ताओं के लिए कोई मांग, विशेष मांग हो? मांग के हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये महीने दिया जाए और हमारा जो वो है 5,00,000 कर दिया जाए बीमा जो है। चलिए अच्छा, अच्छा दादा आपका क्या नाम है? अच्छा सोलंकी जी, आप भी अधिवक्ता हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं एक वर्ष की सरकार, एक महीने की सरकार है? पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई है बीजेपी की, जैसे बाबा जी की बहुत ज्यादा योजना है, लोगों को लाभ मिली है, इससे ये ना ही कोई धर्म जाति से कोई आदमी जुड़ा हुआ है, लोग खामों का मफाए उड़ाते हैं, भू माफियाओं पे बुलडोजर चला है, जितने भी लोग दबंग प्रगति के जो भी थे वो सब इस समय लुप्त हो चुके हैं, हमारा उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं सारे लोग, और बाबा जी क्या इसी प्रकार से 5 साल और बाकी हैं अभी, जिसमें 1 महीना कम है, और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो भारत है पूरा इस प्रकार से चला तो पूरा भारत विकास में बहुत आगे बढ़ जाएगा, जैसे हम लोग तुलना करते हैं भारत के और विदेशों से, हमारा उसी प्रकार से चल रहा है, शिक्षा लाइन में हमारा भारत भी आगे बढ़ रहा है, और सबसे मेन चीज़ है कि जो दबंग भूमाफिया टाइप के लोग थे इन सब पे बुलडोजर चल रहा है, सबसे ज़्यादा आदमी उसी चीज़ से खुश है और बिल्कुल भय व्यक्त हो चुका है, आदमी भयमुक्त हो चुका है, और रही किसानों की बात, राशन की बात, और जनताओं को सरकारों ने सिर्फ लूटा है, हमारी इस भाजपा सरकार ने कभी किसी का अहित नहीं किया है, जो गलत है उसको गलत कहा गया है, और रही हम सभी को मिलने की बात कि हाँ हमारा हिंदुत्व इस बार आगे बढ़ रहा है, ये दिखाई देता है इस 1 महीने में। दादा आपका क्या नाम है? किशन पाल। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा क्या मतलब किसान है, क्या करते हैं? अच्छा किसान है, तो इसमें गर्मी का सीजन चल रहा है, कहीं कहीं आग भी लग जाती है खेतों में, तो इसके लिए आपको क्या करने लगता है, क्या होना चाहिए, बिजली वगैरह कैसी होती है? अच्छा कम आ रही है। वैसे 1 महीने का कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा अच्छा कोई सुझाव रहेगा सरकार के लिए? अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, उस आप कोई भी मतलब समस्या शिकायत नहीं? तो ये हमारे साथ बात जनता की बात करने के लिए, जिनमें कुछ अधिवक्ता भी थे, कुछ किसान भी थे, कुछ आम नागरिक थे, तो उनसे जो हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 1 महीने का जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा है कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आते हैं, और योगी सरकार के कार्यों से जो दूसरे कार्यकाल का जो कार्य है वो कहीं संतुष्ट नजर आते हैं। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जो भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है उससे भी समाज में एक बेहतर संदेश जा रहा है। यह फरुखाबाद में प्राइम टीवी की आम जनता की राय का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने पूरे होने पर गाजियाबाद की जनता ने अपनी राय दी। देखिए सरकार की जो बात करते हैं तो सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है, पीछे भी 5 साल बहुत बढ़िया सरकार चलाई इन्होंने, आगे भी हम उम्मीद रखते हैं बढ़िया चलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे चेयरमैन जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और विधायक और सांसद सब मिलकर इस 5 साल के अंदर पानी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई है दोबारा वो आए हैं। गुंडागर्दी तो उनके आते पहले भी कम हो गए थे, अब और ज़्यादा कम हो जाएगी। नहीं अभी तो जी डर है नहीं, बिजनेसमैन भी आराम से बिजनेस कर रहा है, उसे भी जैसे पहले लोग धमकाते थे यहाँ आके, कई बार उधार मांगता था कि भाई उधार देना ही पड़ेगा, तो अब ऐसा कोई आगे नहीं कहता। आप देख सकते हैं कि खोड़ा में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी विकास की बहुत अच्छी लहर है, और विकास के साथ साथ जैसे देख सकते हैं कि अपराधियों पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है, और महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। हम तो चाहते हैं कि ये सरकार हमेशा आए और हमेशा इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद पूरे उत्तर प्रदेश पर रहे। अपने 30 दिन के कार्यकाल में योगी 2.0 सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। अब देखना यह है कि अगले 100 दिन में एक्शन प्लान को योगी सरकार किस हद तक सफल बनाती है। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आज से ठीक 1 महीने के पहले 25 मार्च को सूबे की कमान दोबारा थामने वाले सीएम योगी के 2.0 कार्यकाल का 30 दिन पूरा हो गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं योगी सरकार के काम का लेखा जोखा हमारी इस रिपोर्ट में। एक पुरानी कहावत है,
कि दिल्ली का रास्ता यूपी की राजनीति से होकर जाता है और यूपी में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनावों का रोडमैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। यूपी में बीजेपी ने इतिहास रचने के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। जिस यूपी में कहा जाता था कि सरकार रिपीट नहीं करती है, वहां बीजेपी ने एक नई शुरुआत की थी जिसका अब एक महीना पूरा हो गया है। इस एक महीने के अंदर सीएम के फैसलों ने विपक्षियों पर सीधा प्रहार करने का काम किया। पहला फैसला, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया। दूसरा फैसला, सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा। तीसरा फैसला, माफियों पर गर्जा बुलडोजर। चौथा फैसला, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। पांचवा फैसला, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। छठा फैसला, होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती। सातवां फैसला, 100 दिनों का एजेंडा तय किया। आठवां फैसला, 63 हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वास। नौवां फैसला, पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन। दसवां फैसला, एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ सक्रिय। योगी सरकार 2.0 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है, जबकि चुनावों में मुद्दा बना बुलडोजर भी जमकर गरज रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का ऑपरेशन लंगरा भी जारी है। इसके अलावा रोजगार, गरीब, आवास और किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अफसरों के साथ ही मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसने जनता को भाजपा के खेमे में लाने का काम किया। जब कोरोना काल में गरीब पाई पाई का मोहताज था, तब योगी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देकर उनका पेट भरा था। नई सरकार के गठन के बाद सीएम योगी ने मुफ्त राशन देने के अपने फैसले को 3 महीना बढ़ाकर एक और सराहनीय कदम उठाया है। 100 दिनों में प्रदेश का कायाकल्प करने का वादा लिए योगी सरकार का 30 दिन पूरा हो गया है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वो उन सभी वादों को जमीन पर उतारना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजोतरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।